हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एक्सिस बैंक के बारे में। यह स्टॉक आज 3.7% के ऊपर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एंड प्रेजेंट प्राइस जो है वो 815 के ऊपर है। स्टॉक अपने लाइफ हाई के करीब है, यानी एवरीडे स्टॉक इज ब्रेकिंग इट्स लाइफ हाई। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को एनालिसिस करें, सो इस पर्टिकुलर स्टॉक का 52 वीक्स हाई है 819, जो कि आज का हाई है 52 वीक्स लो 400, यानी स्टॉक ने अपने 52 वीक्स लो से नियर अबाउट डबल रिटर्न दिया है। इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो पी 29.61 नियर अबाउट 30 है, एंड सेक्टर पी 30.54। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्टर पी, स्टॉक का वैल्यूएशन अभी उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, एंड प्रेजेंट मार्केट कैप 2,50,000 करोड़ के ऊपर है। सो ये था कुछ बेसिक चीज़ें अबाउट एक्सिस बैंक। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम डिटेल्स में एनालिसिस करें, सो एवरेज ब्रोकरेज टारगेट 775 है, यानी स्टॉक अपने एवरेज ब्रोकरेज टारगेट से भी 5% ऊपर चला गया है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में देखें, सो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टॉक के फंडामेंटल चीज़ें। फंडामेंटल चीज़ें यानी स्टॉक का रिजल्ट। अगर जून का कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखें, सो कंपेयर टू मार्च थोड़े ठंडे रहे। रेवेन्यू 20,285 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,183 करोड़ अगेंस्ट 3,957 करोड़, एंड नेट प्रॉफिट 2,356 करोड़ अगेंस्ट 2,941 करोड़। जस्ट लाइक ऑल बैंक, इस पर्टिकुलर बैंक की भी प्रॉफिट घटे, बट बैंक हो या फिर आरबीआई, सभी ने गाइडलाइंस दिया था कि सेप्टेम्बर क्वार्टर तक सारे बैंक्स में थोड़ा बहुत पेन रहेगा। सो मार्केट ने इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है, एंड मार्केट का आउटलुक है वो आगे की तरफ है, क्योंकि निफ्टी ने एवरीडे अपने लाइफ हाई को ब्रेक करा है, बैंक निफ्टी भी अपने लाइफ हाई को ब्रेक करा है। सो एट दैट मोमेंट मार्केट का मोमेंटम जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम टेक्निकल चीज़ों को डिटेल्स में एनालिसिस करें, सो हमको ये देखने को मिलेगा कि टेक्निकल पैरामीटर्स में जो मेन इंडाइसिस या फिर इंडिकेटर्स है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है RSI एंड MFI इंडेक्स। MFI यानी मनी फ्लो इंडेक्स। अगर MFI इंडेक्स का स्कोर 70 के ऊपर है तो स्टॉक को हम ओवरबॉट कहेंगे, एंड 30 के नीचे ओवरसोल्ड। इस पर्टिकुलर स्टॉक का 71.1 आता है, यानी स्टॉक अकॉर्डिंग टू MFI इंडेक्स ओवरबॉट जोन पे चला गया है। एंड RSI इंडेक्स यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका भी स्कोर 70 के ऊपर आता है तो ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम रिटर्न को जस्ट एनालिसिस करें, तो 1 वीक में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 10% रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 15%, 3 मंथ में 8%, 6 मंथ में 12%, एंड 1 ईयर में 64.16% का स्टॉक ने ऑलरेडी रिटर्न दिया है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम मूविंग एवरेज को देखें, सिंपल मूविंग एवरेज एंड EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 702 एंड 703, उसके तो बहुत ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखें, वो भी 754 है, उसके भी ऊपर ये स्टॉक जा रहा है। एंड 30 डे सिंपल मूविंग एवरेज 748, यानी स्टॉक ने अपने सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, जो स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम रेजिस्टेंस एंड स्टॉप लॉस को देखें, सो इसका जो पिछले वाला रेजिस्टेंस था 801, 795 एंड 790, स्टॉक ने सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, सो दे आर नाउ द स्टॉप लॉस। और सबसे करीबी जो स्टॉप लॉस आता है वो 801.47 आता है। अगर आप एक ट्रेडर हो तो इस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को ट्रेड कीजिए, सेकंड 795.23 एंड थर्ड 790। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिटेल्स में देखें, सो इन दैट केस प्रोमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 11.69% स्टेक, FI के पास 52.49, DI के पास 24.27 और पब्लिक होल्डिंग 11.55। FYI बहुत ज़्यादा बोले, सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक के FI का जो होल्डिंग है बहुत ज़्यादा है, DI का होल्डिंग भी ज़्यादा है, सो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक इन दिस परस्पेक्टिव, एंड पब्लिक होल्डिंग भी 11.55 है। सो ये था एक्सिस बैंक को लेकर मेरा एक एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू मी स्टॉक थोड़े एक्सपेंसिव जोन पे है, अकॉर्डिंग टू RSI एंड MFI इंडेक्स। अगर स्टॉक आपको नीचे 800 के नीचे मिलता है, सो दैट इज अ गुड टाइम फॉर यू टू बाय, एंड 750 इसका बहुत ही अच्छा जोन है टू एक्यूमुलेट दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर किसी कारण मार्केट करेक्ट होता है एंड स्टॉक 750 के करीब आता है, सो देन आपको स्टॉक पर ज्यादा एक्यूमुलेट करना चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।